हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और आज मैं जा रहा हूँ बिलासपुर, और अगर मौसम अच्छा रहा तो मैं निकल जाऊँगा खूंटा घाट। इस वीडियो के राइट कॉर्नर में आई बटन है, और उसको क्लिक करके आप मेरे छत्तीसगढ़ सीरीज़ के पूरे वीडियो को देख सकेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं फिर। ये है खूंटा घाट, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जल भराव क्षेत्र है यहाँ से वहां तक, और ये खारंग नदी पर बना है। वहां पर बहुत सारे पक्षी हैं लगभग, क्योंकि पक्षियों की पूरी आवाज आ रही है। इधर एकदम से हरियाली है भाई, देखिए। एक्चुअल में ये गार्डन है, और ये गार्डन पता नहीं अभी खुला है कि नहीं खुला है। हम बहुत पहले जब आए थे बच्चों के साथ तो ये गार्डन खुलता है। बाकी एकदम हरियाली छाई हुई, अभी क्या कहने। और यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है रात को, तो इसलिए भी उतना गर्मी नहीं है। और दूसरी बात, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है इसलिए यहाँ पर कचरा नहीं है, तो जगह बहुत अच्छा है। और अभी आने के लिए एकदम सही समय होना चाहिए मैं कहूँगा। दोस्तों, इस बांध को बनने से या बनाने से 22 गाँव को हटाना पड़ा था, उनको पुनर्वास करना पड़ा था। इतना बड़ा क्षेत्र है, और पूरा बिलासपुर जांजगीर चांपा क्षेत्र इससे सिंचित है। और मेरे को ये मिला हुआ है, देखिए पूरा का पूरा एक बगान लगा हुआ है टाइप का लग रहा है। देखिए उधर भी है, बहुत सुंदर। जलाशय में मगरमच्छ है, यहाँ नहाना तैरना कपड़ा धोना सख्त मना है। जलाशय परिसर में साफ सफाई बने रखें। अरे किसकी मति मारी गई है जो इसमें तैरेगा। हाँ, मंदिर का एक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा देगा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये, देखिए ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर गांव था, और गांव का ये मंदिर है। और इधर देखेंगे तो इधर क्या पड़ेगा, इधर जो है वो गेस्ट हाउस है, ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। और यहाँ से हमको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, नीचे जाना है। यहाँ पर से बांध से पानी छोड़ा जाता है, और ये एक वाटरफॉल सा बन गया है। यहाँ पर पानी की गति बहुत तेज हो रही है, यहाँ पर कई सारे दुर्घटना भी हो चुके हैं।
तो कहाँ रहते हो भैया आप? नवागांव। नवागांव में? ऐसा, यहाँ मछली वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। खरीदने में देते हैं कि नहीं देते हैं? कहाँ मिलता है? किनारे में मार रहे होंगे। पैसा छोटा छोटा वाला? छोटा छोटा वाला। तो यहाँ पर कूटा घाट के डैम के जस्ट ऊपर में भाई साहब मस्त कुछ कुछ मिल रहा है, तो आपको बाहर से नाश्ता खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनका नुकसान हो जाएगा फिर भाई। यहाँ से नीचे जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, चलिए मैं नीचे से आपको वाटरफॉल का व्यू दिखाता हूँ, वहाँ से अलग ही नज़ारा बनेगा। तो लीजिए दोस्तों नज़दीक से देखिए कैसा फील आता है। अभी मैं यहाँ सबसे ऊपरी जगह पर हूँ, आप नीचे देख सकते हैं जो सड़क है उसी से मैं अभी आया हूँ। दोस्तों मैं हूँ अभी इस पहाड़ के कहना चाहिए टॉप पर, और ये बगल में देख लीजिए बना हुआ है गेस्ट हाउस। और चलिए रास्ता इधर से शायद, हाँ इधर ही से है, मैं उधर से सोच रहा था। और देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पुराना बिल्डिंग है, शायद यही पहले गेस्ट हाउस रहा होगा जो अब खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भूत वाले पिक्चर का शूट हो सकता है आई थिंक। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सुंदर पौधा है, इसका नाम मेरे को नहीं पता लेकिन बहुत सुंदर लगता है, कांटे भी हैं इसके। अच्छा, और ये ऐसा लग रहा है किसी के बारी में ही आ गए हैं। अच्छा ये टॉप है, अरे बाप रे। और यहां से देखिए इसका पूरा दृश्य। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।